सर पूरा मामला क्या है, रोहिणी कोर्ट में ऐसे हादसे क्यों होते हैं? नहीं, रोहिणी कोर्ट की बात नहीं है, यूपी की कोर्ट में भी होते हैं, तीस हजारी में भी हुआ है, कलकडूमा भी हुआ। कोर्ट विषय, कोर्ट तो सब बराबर हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सब कोर्ट बराबर है, न्याय का मंदिर है। लेकिन विषय ये है कि न्याय के मंदिर में अगर ऐसी घटना होती है, बहुत बड़ी दुर्घटना है और हाई रिस्क सिक्योरिटी चल रही थी, आपने देखा पिछली बार ऐसा हुआ जहां तीन लोगों की मौत हुई यहां कोर्ट के अंदर, आज ऐसा हुआ टिफिन बम, पहले कहा गया कि लैपटॉप का ब्लास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था, इतनी आवाज़ तेज़ थी, मैं तो सामने वाली कोर्ट में था, इतनी आवाज़ तेज थी 10 मिनट तक कान झन्नाते रहे पूरी तरह से। तो ये ना ब्लास्ट तगड़ा होना और इस बात का इस तरह से द्योतक है कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी में लैप्सेस, सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो लैप्सेस हैं और वो कमी है, उसको और टाइट करना चाहिए। हमें चुस्त दुरुस्त कहीं ना कहीं से तो पहुंचा है, बाद में आप लीक पीटते हैं, बाद में सब कुछ आते हैं, अधिकारी आते हैं, बहुत चीज़ें, सघन तलाशी अभियान सब कुछ होता है, बाद में सब बैन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो पहुंचा है। और 10:30 का टाइम ऐसा पीक टाइम था जिस पीक टाइम में ऐसी घटना होना, और ख़ासकर रोहिणी कोर्ट जुडिशरी यहाँ न्याय का मंदिर है, तो न्याय के मंदिर के सब लोग पहुँचते हैं एक आशा के साथ कि हमें न्याय मिलेगा, हमारा विश्वास है, जागता है। जुडिशियल ऑफिसर्स भी निर्भीक होकर न्याय करें, अगर उनके कोर्ट के चैम्बर्स में, आप कमरे में, कोर्ट के कमरे में ट्रायल जहाँ चल रहा है, खचाखच भीड़ भरी है, क्योंकि अभी फिजिकल कोर्ट शुरू हुई, ऑनलाइन के बाद फिजिकल, तो सभी लोग चाहते हैं 2 साल का लैप्सेस रहे, सब चाहते हैं हमारे मुकदमे में पैरवी हो, हमारे मुकदमे में इतने दिन से पेंडिंग रही है, पेंडेंसी रही, वो आगे हो, तो सब चाहते हैं इसको करने के लिए। और भरी कोर्ट में सुबह के टाइम इतना बड़ा ब्लास्ट होना, ये बहुत दुखद है, और बहुत भगवान ने शांति रखी, कृपा की, जो लोगों की मौत नहीं हुई, नहीं तो इस तरह के ऐसे ब्लास्ट थे। और अंदर पहुंचा कैसे, जब हाई रिस्क सिक्योरिटी जोन में इसको दिया जाता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एंट्री करते हैं तो इस तरह का ये कार्ड हो, प्रॉक्सिमिटी कार्ड, इस प्रॉक्सिमिटी कार्ड से एंट्री होती है तो सारा डिटेल आ जाता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था परमानेंट करनी चाहिए जिससे लॉयर्स एंट्री करें, परेशानी ना हो किसी को, क्लाइंट्स भी एंट्री करें, परेशानी ना हो, लेकिन उसके साथ जीवन भी बचे, और लॉयर्स को भी इसमें अपनी वो प्रेस्टिज इशू नहीं बनाना चाहिए कि हम सर्च नहीं देंगे, हमारी गाड़ी की सर्च नहीं होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, देखिए आप मेट्रो में अपनी सिक्योरिटी चेक कराते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं पूरी तरह सिक्योरिटी चेक कराते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपकी ज़िंदगी, तो यहाँ भी तो ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। जब यहाँ कोर्ट में आप आते हैं तो अब कितने फ़ोन घनघना गए, आपके परिवारजन पूरे देश में कहीं से, अरे हमारा व्यक्ति का क्या हुआ, ब्लास्ट 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 होना ही अपने में बहुत ज़्यादा घातक है, गलत है। और जो उपद्रवी शक्तियाँ हैं, जो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनका भी तगड़ा शिकंजा कसा जाना चाहिए, जिससे कि ऐसे